शीतलहर का कहर है, ऑरेंज अलर्ट जारी है मौसम विभाग की तरफ से और हरिद्वार में 8वीं तक के निजी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। सरकारी स्कूलों में 14 जनवरी तक का अवकाश और पर्वतीय जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। कई जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी की गई है, तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। तो ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है उत्तराखंड वासियों को। आपको बताते चले कि मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, शीतलहर का कहर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, तो कई जगहों पर विजिबिलिटी काफी ज्यादा है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को सड़कों पर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। तो उत्तराखंड में कोल्ड अटैक मौसम विभाग की तरफ से जहां अलर्ट जारी किया गया, तो उत्तराखंड में शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हरिद्वार में 8वीं तक के निजी स्कूलों की छुट्टी है, सुबह 9 बजे के बाद अतिरिक्त कक्षाएं चलेंगी और सरकारी स्कूलों में 14 जनवरी तक का अवकाश घोषित है। पर्वतीय जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना है, तो सुबह 9 बजे के बाद जो अतिरिक्त कक्षाएं हैं उसे चलाई जाएगी। सरकारी स्कूलों में 14 जनवरी तक का अवकाश होगा। तो कई जिलों में कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, विजिबिलिटी कम होने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। बड़ी की खबरों में आगे और बात रुड़की की, जहां